हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड? ओके, फाइन फाइन फाइन। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीरीज और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। गाइज, जो हमारी आज का सेशन है, हम उसके अंदर कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत को और बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। बेसिकली आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीक मैंने एम लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट की थी, जो हमारी थर्सडे से लेके सैटरडे तक रोज डेली सुबह 11 बजे होगी। बट गाइस, थोड़ा सा आज कुछ अर्जेंट वर्क था, मुझे ये क्लास कैंसिल करनी थी, बट मैं नहीं चाहता था कि ये क्लास आप कैंसिल कर पाओ। ठीक है, ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट वर्क था। मैंने मॉर्निंग में प्लस क्लास ली, उसके बीच में मुझे बहुत अर्जेंट वर्क था, जिसके उससे ये क्लास थोड़ी सी शेड्यूल करनी पड़ी, इसी वजह से हल्का सा डिले हो गया। बट नेक्स्ट टाइम मैंने ऑटोमेटिकली इस क्लास को रीशेड्यूल कर दिया था और आपको बता भी दिया था, बट उस चीज के लिए परेशान मत होइए। अब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे। गाइज, अगर हम बात करें, लास्ट का सेशन था, जो हमारी लास्ट की सीरीज थी, हमने उसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट को कवर किया था और उसके अंदर हमने चार्टर एक्ट 1813 को कवर कर लिया था। अगर हम बात करेंगे, हम उससे आगे चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं पीछे एक ओवरव्यू जल्दी से दे दूंगा, उसी के बाद हम आगे बात करेंगे 1833 के जो चार्टर एक्ट है उसके बाद, और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे क्राउन रूल के बारे में। आफ्टर 1857 की जो स्पॉय म्यूटिनी हुई थी, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चेंजेस लेके आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपने आज के सेशन के अंदर। और ये सेशन और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है? ओके, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरी सीरीज है, और रोज डेली थर्सडे से सैटरडे तक हम यहीं पर मिलेंगे 11 बजे। और इसके अंदर हमने एक पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, मैं उसको ओवरव्यू दूंगा, फिर हम चीजों को स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years। आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 30,000 ऑफ ऑफलाइन एंड लैक्स एंड करोड़ ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट। गाइज, अन अकेडमी ने लास्ट ईयर में 333 सिलेक्शन दिए हैं। रीजन है प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू। यहाँ पर इनका कंप्लीट कवरेज आपको मिला है, कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू का, जहां पर आपको सारी चीजें कवर होंगी। वहीं पर गाइज, उसी के साथ अनअकैडमी पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, पूरी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू का कवरेज होगा, और आप जैसे ही AM10 कोड यूज करते हो, आपको मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी। ये गाइज, जो कोड है ना, इसका बेनिफिट ये नहीं है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट आपको हर जगह से मिल जाएगा, पर पॉइंट है कि आपकी हेल्प कहां पर हो पा रही है, आपको मेंटरशिप कहां पर मिल पा रही है, आपको गाइडेंस कहां से मिल पा रही है, आप किस तरीके से प्रिपरेशन को पढ़ोगे, उस चीज में ये कोड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन की इस कोड को यूज करके आप कंप्लीट कवरेज कर सकते हो पूरी प्रिपरेशन की। उसी के साथ साथ गाइज, अगर मैं बात करूं, आपका ये बैचेस है रिपीटर बैच प्रीलिम्स के, 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 2 year का करंट अफेयर्स, इंडिया एयर बुक, पूरी टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा, और 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, याद रखना। अगर आप लोन के थ्रू लेना चाहते हो, तो किसी भी सेल्स टीम का आपके पास कॉल आता है, जस्ट से दैट कि AM10 कोड यूज करना है, उसके बाद भी कोई इश्यू है तो मेरा टेलीग्राम चैनल unacademy_anirudhmalik ज्वाइन कर लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। EMI 0% इंटरेस्ट है, जो फी है वही पे करनी, और सारी चीज आपकी हेल्प हो जाएगी 2 से 3 घंटे तक, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक है, 28 अक्टूबर तक, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आते हैं फटाफट अपने टॉपिक के ऊपर जल्दी से। गाइस, सभी स्टूडेंट, सब चीजों को छोड़ दीजिए, आंख बंद कर लीजिए और कान खुले कर लीजिए, नहीं नहीं आंखों को भी खोल लीजिए, और इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से अब आप चीजों को एनालाइज कीजिए कि जब से ब्रिटिशर्स आए थे और वो आने के बाद उन्होंने कैसे रूल किया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, उसने कैसे इंडिया के ऊपर रूल किया, उन सारी चीजों के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आई थी,
1600 बीसी में, 1600 एडी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उन्होंने क्या किया, वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई, वो इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आई। तो स्टार्टिंग में जहांगीर ने मना कर दिया, जब जहांगीर ने उन्हें ट्रेड करने के लिए मना कर दिया, वो दोबारा गए जहांगीर के बाद और उनको परमिशन मिल गई। फिर उन्होंने फैक्ट्री लगानी स्टार्ट की और धीरे धीरे करके वो पहले एज अ ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर की तरह स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को। और उसके बाद 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी है वो उन्होंने जीता, और उसके बाद 1764 में उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता, जिसके बाद वो इंडिया में अपना कंट्रोल और दबदबा बनाने लगी। बट क्या हुआ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे थी, वो एक तरीके से कुछ फरमान लेके तो आई थी, परमिशन लेके तो आई थी, कहां से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो यहां पर वो अपनी मनमर्जी कर रही थी। जब वो यहां पर अपनी मनमर्जी कर रही थी, यहां पर सिर्फ उनके जो ऑफिसर्स थे वो करप्ट हो रहे थे, कंपनी को इतना फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, तो कंपनी ने सोचा कि हम क्या करें, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट करते हैं। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि आपको अपना काम इस तरीके से करना पड़ेगा। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो मैं आज के सेशन के अंदर पढ़ाऊंगा। लास्ट के क्लास के अंदर मैंने 1830 के जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ाया था, जहां पर मैंने बताया था कि ये चार्टर एक्ट एवरी 20 ईयर्स बाद आएंगे, जहां पर इनको चार्टर मिलेगा, जहां पर इनको परमिशन मिलेगी कि आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, और वो चार्टर 20-20 साल के टाइम पीरियड के अंदर मिलेगा। और वही चीजें मैं आपको यहाँ पर कवर करूंगा। समझ में आ गया? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम बात करते हैं। सो बेसिकली 200 साल तक जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। अब आप बोलोगे सर 200 साल से कैसे इंडिया के ऊपर रूल किया? बेसिकली 200 साल इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर पॉलिटिकल पावर की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो 1957 का जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके बाद ही उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में इंडिया के ऊपर आए, क्योंकि उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसकी पॉलिटिकल हेजमनी नहीं थी, वो पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश नहीं कर पाई थी, क्योंकि उससे पहले अलग अलग हमारे जो आपके मुगल्स थे और अलग अलग शासक थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जो इंडिया है, तो इंडिया में जब उन्होंने रूल किया तो उसके लिए उन्होंने रेगुलेशंस आए, एक्ट आए, चार्टर्स आए। तो बेसिकली उन चार्टर के बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज का है वो भी हमने स्टेब्लिश किया, वो भी हमने फॉर्म किया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो चीजें 1857 का जो एक्ट है, 1858 का एक्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, और जितने भी ये चार्टर एक्ट है उनसे जो जो अच्छी चीजें थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली। तो जब हम अपनी पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमारे लिए अच्छी थी और क्या क्या चीजें हमारे लिए बुरी थी, और वही हम इन एक्ट में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर आप इस टाइमलाइन को समझोगे तो मैं बहुत जल्दी आगे आ जाऊंगा अपने पॉइंट पर, कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600, उसके बाद 1765 में बेसिकली इनको दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब इनको टैक्स कलेक्शन के राइट्स मिल गए, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में ये जीत गए, तो इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, अभी टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, अभी टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बना सकते हैं। ये कब हुआ, 1765 में। अब क्या हुआ, ये बहुत अमीर बनते जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ब्रिटिश एम्पायर को इतना फायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको रेगुलेट कीजिए, इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आइए। और सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, जो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स, उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद फिर आया आपका चार्टर एक्ट 1833, जो हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, और उससे पहले आया आपका चार्टर एक्ट 1813। और चार्टर एक्ट 1813 मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि वहां पर क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे हुआ। चार्टर एक्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो मोनोपोली थी, याद रखना गाइज, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी। और क्या हुआ था वहां पर, वहां पर जो नेपोलियन था, आपको पता है नेपोलियन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना एम्पायर स्प्रेड करता जा रहा था,
वो फ्रांस में, रशिया में, इधर पार्ट में अपनी टेरिटरी को स्प्रेड करता जा रहा था, जिसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और वहां पर जो इंग्लैंड में और जो जो आपके मर्चेंट्स हैं वो इन कंट्रीज में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। अब वो ब्रिटेन के पास जाते, समझने की कोशिश करना, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो जब वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, वो ब्रिटेन के पास जाते हैं और ब्रिटेन के पास जाके बोलते हैं, महाराज हमें बचा लो। बोला क्यों बचा ले? कि हम कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर पा रहे, और हम ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि नेपोलियन पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर अपना दबदबा बना चुका है, वहां पर वो बेसिकली ट्रेड करने के लिए नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोला हम कैसे बच पाएंगे? तो फिर ब्रिटिश जो क्राउन है उन्होंने बोला, सुनो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, आपकी जो ट्रेड की मोनोपोली है इंडिया के अंदर, उस मोनोपोली को हम खत्म करते हैं। अब आप वहां पर ट्रेड की मोनोपोली नहीं रहेगी, याद रखना। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आपको ट्रेड दो जगह आपके पास मोनोपोली है, एक तो आप चाइना में ट्रेड मोनोपोली है और आप इंडिया में टी का ट्रेड कर सकते हो। इंडिया में जो चाय का व्यापार होगा वो सिर्फ कौन कर सकता है? वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, और जो चाइना के अंदर ट्रेड होगा उसकी मोनोपोली भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और बाकी जितने भी पोर्शन है इंडिया में वहां पर और जितनी भी कंपनीज हैं वो सब आ सकती है। तो कंपनी कौन चला रही है? कंपनी बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही तो चला रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? जो मर्चेंट्स है जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई है। अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो दूसरी कंपनी के थे, वो भी अपना ट्रेड करने के लिए इंडिया में आ गए, और जब वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आ गए, जो मोनोपोली खत्म हुई थी उसके बाद वो बहुत सस्ते दामों में करने लगे। तो इस एक्ट में क्या हुआ, जब 1813 का चार्टर एक्ट आया जिसमें मोनोपोली खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी आना स्टार्ट हो गई, बहुत छोटी बड़ी कंपनी आई। तो जिससे क्या हुआ कि जो इंडिया के छोटे उद्योग थे, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, वो खत्म होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो गया, वो बहुत सस्ते दामों में चीजों को बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सस्ते दामों में, तो ये चीजें होना स्टार्ट हो गई। उसी के साथ साथ जो आपकी लोकल गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उनको ऑथराइज कर दिया कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से। समझने की कोशिश करना, वहां पर 1813 के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उनको क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया कि अब आप टैक्सेस को लेवी कर सकते हो, पहला पॉइंट। उसी के साथ साथ इस एक्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरी है उसको परमिशन मिल गई कि अब वो इंडिया में आ सकते हैं और अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, किसमें, 1813 के एक्ट में। उसी के साथ क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया के अंदर आने की परमिशन मिल गई। ये पहला एक्ट है जिसमें एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। इस एक्ट के अंदर 1 लाख रुपए दिए गए कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया जाए, यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाए, याद रखना। दैट मींस ये पहला पॉइंट है जहां पर एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात की गई है, याद रखना। समझ में आ गया, क्लियर है? समझ में आया ये, क्लियर। उसी के साथ साथ जो सॉवरेनिटी है ब्रिटिश क्राउन की, वो इंडियन कंपनी की टेरिटरीज पर असर्टेड होंगी। मतलब अगर इंडिया के अंदर यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसकी सॉवरेनिटी किसकी होगी, उसके सॉवरन ये अंडर किसके होंगे, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर होंगे। ये बात कही 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर। यहां तक मैंने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दी थी बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूंगा 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1833 का चार्टर एक्ट। आपको अगर मैं पास्ट के बारे में बताऊं, मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, ट्रेड की चाय की मोनोपोली बची थी और चाइना के साथ ट्रेड की मोनोपोली बची थी, याद रखना। अब क्या हुआ, अब इस एक्ट में बोला, सुनो भाई देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आपने बहुत व्यापार कर लिया, आपने बहुत व्यापार कर लिया, अब आप एक कमर्शियल बॉडी हो ही नहीं। समझने की कोशिश करना, जो एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब इससे बोला कि आप एक कमर्शियल बॉडी नहीं हो, याद रखना। अब से आपका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, अब आप क्या रहोगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहोगे, याद रखना। समझने की कोशिश करना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था जिसमें मोनोपोली थी चाय में और चाइना के साथ, वो भी खत्म कर दी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल बॉडी भी नहीं रही। अब उनसे बोला कि सुनो मेरी बात, अब आप एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहोगे उसमें क्या होगा, दो होंगे। एक क्या थे आपके, अगर मैंने आपने पीछे पढ़ा हो तो मैंने बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया था 24 है,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 24, जिन्होंने कंपनी मिलकर बनाई थी। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने थे? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में आपके 24 थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये क्या थे? कमर्शियल बॉडी थी, ये कमर्शियल थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थी? पॉलिटिकल बॉडी थी। तो बेसिकली इनका तो रोल ही खत्म हो गया ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, क्योंकि ये कमर्शियल फंक्शन कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कमर्शियल बॉडी रही नहीं, अब तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये काम हुआ। उससे पहले क्या होता था गाइज, 1933 के एक्ट से पहले अगर मैंने आपको पढ़ाया हो तो हमारे तीन थे बेसिकली, एक था बंगाल, एक था हमारा मद्रास और एक था बॉम्बे। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या किया गया कि जो यहाँ का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का और बॉम्बे का गवर्नर, इससे पहले क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, इसके आगे जीजी लग गया। अगर आपने पढ़ा हो मेरे से, इसके आगे क्या लग गया? जीजी लग गया था, दैट मींस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट रहेंगे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर, ये चीज मैंने आपको बताई। अब 1833 के एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, याद रखना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? उससे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि जो एक गवर्नर जनरल है इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या था पहले गाइस? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारे थे, एक तो गवर्नर जनरल था और 4 मेंबर और थे। फिर इन 4 मेंबर को रिड्यूस करके 3 मेंबर कर दिया गया था और एक गवर्नर जनरल थे, ताकि यहां पर पावर किसके पास में आ सके? गवर्नर जनरल के पास में आ सके। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल की जो डिसीजन लेती थी, उसमें एक गवर्नर जनरल था और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। बट पॉइंट क्या होता था, अगर उस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 लोग एक तरफ चले गए तो वहां पर कुछ भी चीज लॉ बनाना, कुछ भी पास करना तो पास नहीं हो पा रहा था। फिर उसमें चेंज करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर कर दिए गए थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 मेंबर और एक गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के साथ अगर एक मेंबर और वोट कर देता है तो उनकी वीटो पावर के उससे वो लॉ पास हो जाता था। बट क्या हुआ कि अब हमने क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक फोर्थ मेंबर और ऐड किया, और ये फोर्थ मेंबर था लॉ मेंबर, ये फोर्थ मेंबर था लॉ मेंबर, एक चौथा मेंबर और ऐड किया गया। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चौथा मेंबर ऐड किया गया, वो चौथा मेंबर अगर आपसे कोई पूछे तो कौन था, आपको बताना है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोबारे 4 मेंबर की बॉडी बन गई। समझ में आ गया? 4 मेंबर की बॉडी बन गई, याद रखना। क्यों किया गया ऐसे? ताकि जो इंडिया के अंदर लॉज है ना उनको कोडिफाइड किया जा सके, उनको कंसोलिडेट किया जा सके लॉज को, इसलिए बनाई है, याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर है? उसी के साथ साथ यहां पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब इन्होंने बोला कि देखो भैया, इंडिया के जो लोग हैं ना उनको एम्प्लॉयमेंट से डिनाइड नहीं किया जाएगा। वो बताना चाहते थे देखो हम अच्छे चेंजेस कर रहे हैं आपके लिए, हम जो भारत के लोग हैं ना उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि ये इंडिया के हैं इनको जॉब नहीं मिलेगी, ये इस धर्म के हैं, ये इस कास्ट के हैं इनको जॉब नहीं मिलेगी। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई इसके अंदर। तो आप यहां पर आ जाइए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो खत्म हो गई, ठीक है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी है, और इसको बोला गया सेंट हेलेना एक्ट। इसको क्या बोला गया? सेंट हेलेना एक्ट। अब आप बोलोगे सर इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोला गया, कोई मुझे बताएगा इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोला गया? देखिए गाइस, इसको सेंट हेलेना एक्ट इसलिए बोला गया कि एक आइलैंड था सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड, तो वो सेंट हेलेना आइलैंड पर नेपोलियन को भी रखा था ब्रिटिशर्स ने बंदी बना के, तो उससे रिलेटेड इस एक्ट का नाम भी रखा गया सेंट हेलेना एक्ट, ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आ गया? उसी के साथ साथ ये एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन रखा गया। मतलब क्या? मतलब जैसे पहले क्या होता था कि जो भी सिविल सर्वेंट थे, जो भी टॉप ऑफिशियल्स की पोस्ट थी, अगर वो चूज करनी होती थी तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो क्या करते थे, वो आपस में वहां पर
इंटरव्यू लेते थे, वो पहले वहां पर एग्जाम होता था ब्रिटेन में, उनका इंटरव्यू लेते थे, और इंटरव्यू लेने के बाद जो पास कर लेता था उनकी ट्रेनिंग होती थी वहीं पर, एक कॉलेज था, और उसके बाद वो इंडिया में आते थे, पैसा कमाते थे, कमा के चले जाते थे। तो पहले वहां पर इस तरीके से था, बट अब ये ओपन कर दिया गया, जो सिविल सर्विस का एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो ये ओपन कर दिया गया। ये बोला गया कि भैया सब अलाउ हो, सब आइए, इंडियंस हो सब इसमें एग्जाम दे सकते हैं, इसको ओपन कर दिया गया, ये चीज याद रखना। उसी के साथ साथ जो स्लेवरी थी, स्लेवरी को एबुलिश कर दिया गया। स्लेवरी को क्या कर दिया गया? एबुलिश कर दिया गया। स्लेवरी मतलब जो बंधुआ मजदूरी है उसको यहां पर एबुलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, किसके अंदर? 1833 के अंदर, याद रखना। यहां पर सेंट्रलाइजेशन की बात की गई। आप बोलोगे सर सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, समझने की कोशिश करना। यहां पर सेंट्रलाइजेशन की बात की गई मतलब जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, वो जो लेजिस्लेटिव पावर है उनमें लॉ मेकिंग पावर अब किसके हाथ में दे दी। मतलब अब जो आपका पहले क्या था कि पहले गवर्नर जनरल थे, तो यहां पर जैसे मद्रास है, बॉम्बे है और बेसिकली बंगाल है, तो ये अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, लॉ मेकिंग पावर थी, बट अब इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। बोला कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो जो लॉ ये बनाएंगे वही लॉ बेसिकली इनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई यहां पर बंगाल के लॉ अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग लॉ बना रहा है, मिसमैच हो रहा है चीजों के साथ, तो अब लॉ मेकिंग पावर भी सेंट्रलाइज कर दी। दैट मीन जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है यही लॉ को बनाएगा, ये चीज किसके अंदर बोली? इस एक्ट के अंदर बोली। समझ में आ गया? तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, मैकॉले आए, मैकॉले कहां पर आए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक बंदा ऐड किए गए, और यहां पर ये पहला स्टेप था, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि यहां पर गवर्नर जनरल को अब लेजिस्लेटिव पावर्स उनके पास आ गई, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर नहीं बची, सेंट्रलाइजेशन कर दिया, एक ही सेंट्रल बॉडी लॉ बनाएगी। वो कहां पर? जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ मेकिंग की, ठीक है, तो वो उनके पास चली गई, और वो सो सब्जेक्ट है ना रेजिडरी लिस्ट आपका, उसके बाद जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि कौन से एक्ट के अंदर आई, ये चीजें याद रखना। तो अगर आप यहां पर चीजों को पढ़ोगे तो याद रखना कि एम्पावर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एंटायर ब्रिटिश इंडिया, दैट मींस सेंट्रलाइजेशन, ब्रिटिश इंडिया की सारी लेजिस्लेटिव पावर उसके पास आ चुकी थी। मतलब क्या? जितने राजे रजवाड़े थे उनकी भी नहीं सर, राजे रजवाड़े नहीं, वो पोर्शन जिसके ऊपर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके ऊपर उनका कंट्रोल था वो था ब्रिटिश इंडिया, और बाकी जो राजे रजवाड़े थे वो थे प्रिंसली स्टेट। उन प्रिंसली स्टेट के ऊपर लॉ मेकिंग पावर नहीं आई थी इनकी, लॉ मेकिंग पावर इनकी ब्रिटिश इंडिया के ऊपर आई थी, उन टेरिटरी के ऊपर आई थी जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजेशन था उस एरिया के ऊपर। अब लॉ मेकिंग पावर गवर्नर जनरल ही डिसाइड करेंगे, मद्रास की और बॉम्बे की जो गवर्नर जनरल थे उनकी पावर अब ले ली गई है, अब वो लॉ नहीं बनाएंगे, ये चीजें याद रखना। कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आ गई? ठीक है, समझने की कोशिश करना, यहां तक चीजें समझ में आ गई है, यहां तक चीजें समझ में आ गई है, ये चीजें किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और उसको जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर थी वो लॉर्ड विलियम बेंट्रिक को दे दी, और पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के, कब? 1833 के एक्ट में, और वो था आपका चार्टर है। समझ में आ गया? अब कंपनी क्या कर दी? एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर दी, क्योंकि कमर्शियल राइट्स तो उनके पास से ले लिए थे 1833 के एक्ट में। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब क्या था? जितने भी यूरोपियंस थे, समझने की कोशिश करना, वो पहले इंडिया में आ नहीं सकते थे, रिस्ट्रिक्शंस थी ताकि यहां पर चीजों के, समझने की कोशिश करना आप बहुत अच्छे से, पहले जो यूरोपियंस थे ना वो इंडिया में आ नहीं सकते थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, चाहते नहीं थे कि यूरोपियंस आके इंडिया के जो धर्म है वहां के लोगों के सेंटीमेंट्स के बीच में इंटरफेयर करें। अब वो रिस्ट्रिक्शन भी आपकी लिफ्ट कर दी गई थी, अब जो आपके इमिग्रेशन था जो यूरोपियंस थे वो भी इंडिया में आ सकते थे इस एक्ट के बाद, ये चीज याद रखना। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। समझ में आ गया? अब क्या हुआ? अब आया चार्टर एक्ट 1853। 20 साल के बाद आपको मैंने बताया था चार्टर की बात की गई थी,
तो ये दोबारा आता है चार्टर एक्ट 1853, आपको पता है वहां पर क्या हुआ था, गवर्नर जनरल बना दिए गए थे, वहीं पर जो गवर्नर जनरल थे उनको एग्जीक्यूटिव और कमर्शियल बॉडी जो थी वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही थी, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, लेजिस्लेचर की जो पावर थी वो एक के पास ही आ गई थी, ये चीजें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, समझ में आ गया, ये अच्छे से आपको क्लियर कर लिया गाइज। ये जो चार्टर एक्ट है ना, ये लास्ट एक्ट है जिसमें ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया है, कहां से, वहां से आपके कंपनी के अफेयर्स को। इसके बाद क्योंकि क्राउन रूल आ जाएगा, समझने की कोशिश करना, इसके बाद क्राउन रूल आ जाएगा, चार्टर एक्ट आपको मैंने बता दिए, ठीक है, यहां पर चार्टर एक्ट मैंने आपको 1833 का चार्टर एक्ट अच्छे से बताया, 1833 का और 1853 का। और गाइज ये टॉपिक ऐसा है कि बस आपको चीजें समझनी है, रटने हैं आपको पॉइंट, अगर आपको लगे कि मुझे याद हो जाए सारी चीजें तो याद बहुत ज्यादा नहीं होंगी, अभी आपको चीजें सिर्फ रटनी है, उसके बाद जब मैं कल से स्टार्ट करूंगा ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप देखना कितना मजा आएगा वहां पर, फिर हम कोर पॉलिटी की तरफ आ जाएंगे, अभी हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं, जो आज के टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बनाने में जो उसका रोल रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब क्या हुआ गाइस, अभी से पहले हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी थी, याद रखना वही लेजिस्लेटिव बॉडी हमारे सारे फंक्शंस कर रही थी, अब क्या किया, अब हमने क्या किया, यहां पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए अलग से दो बॉडी बना दी, स्पेशलाइजेशन कर दिया, कि पहले क्या था, जो लेजिस्लेचर था, काउंसिल थी, वो सब एक ही चीज कर रही थी, वही लॉ बना रही थी, वही उसको एग्जीक्यूट कर रही थी, अब हमने चीजें चेंज कर दी, प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट 6 मेंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एज अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्या किया हमने, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, पहले जो गवर्नर जनरल था यहां पर इसकी काउंसिल थी, इसकी काउंसिल में मेंबर्स थे जो मैंने आपको बताए, अब वो जो मेंबर्स थे, अब वो मेंबर्स क्या कर रहे थे, वही लॉ मेकिंग कर रहे थे, वही एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे थे, अब हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, बोला लॉ मेकिंग का काम अलग है और दोनों का काम अलग है, तो अब क्या हुआ, अब सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी जिसमें 6 नए मेंबर को ऐड किया गया, 6 नए मेंबर को ऐड किया गया कहां पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, समझने की कोशिश करना, इससे पहले जो 1833 का ओपन कॉम्पिटिशन की बात की गई थी बट वो ओपन कॉम्पिटिशन अलाउड नहीं किया गया था, 1853 का जो एक्ट है इसके अंदर ओपन कॉम्पिटिशन का परमिशन हो गई कि अब जो इंडियंस हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, किसके, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है इसका, समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ गाइस, समझने की कोशिश करना, अब सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया, तो इससे पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे आपने देखा होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, 24 थे, समझने की कोशिश करना, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, अब हो गए 18, और उस 18 में से जो बचे हुए हैं वो 6 जो हैं वो उनको कौन नॉमिनेट करेगा, उनको नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश क्राउन, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा, याद रखना। तो अभी क्या हुआ, अब इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंटर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 6 मेंबर थे, 6 में से 4 तो लोकल अपॉइंटेड होंगे, लोकल कहां से अपॉइंट होंगे, मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर अपॉइंट होंगे, 6 में से एक कौन होगा, एक तो हमारा गवर्नर जनरल इंडिया हो गया और एक बेसिकली कमांडर इन चीफ हो गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें 6 मेंबर है, 6 में से 4 मेंबर तो नॉमिनेट हो गए मद्रास के, बॉम्बे के, बंगाल के, आगरा के, जो यहाँ के गवर्नमेंट इधर के, उसी के साथ 4 में से 2 बचे, एक कमांडर इन चीफ और एक गवर्नर जनरल, तो ये आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 6 मेंबर थे जो मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। और आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें जो आपके 6 मेंबर थे वो ब्रिटिश क्राउन उनको नॉमिनेट कर रही थी, ये चीजें याद रखना, समझ में आ गया। ये एक्ट जो था इसमें क्या हुआ, इसमें आपको पता है जो सिंध और पंजाब का जो एरिया है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जो लॉर्ड डलोजी लेके आए थे ये भी एनेक्स कर लिया। तो जब ये एनेक्स होने लगे तो टेरिटरी एक्सपेंड होने लगी, टेरिटरी एक्सपेंड होने लगी तो पावर को रन करने के लिए, चीजों को कंट्रोल करने के लिए बॉडी का भी तो एक्सपेंशन चाहिए ताकि प्रॉपर लॉ इंप्लीमेंट हो सके, प्रॉपर से लॉ बन सके। इस वजह से यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
एग्जीक्यूटिव इन सब चीजों को बढ़ावा देने लगे, इनको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? तो याद रखना, ये पहला एक्ट था जिसके अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, और लोकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहां पर जो चार मेंबर थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, यहां से जो प्रोविंसेस थी यहां से अपॉइंट किए गए, ये चीज याद रखना। सकल समझ में आ गया? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की जो प्रोविंसेस थी यहां से अपॉइंट किए गए। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां तक आपको। अब बेसिकली यहां पर जो चार्टर एक्ट 1853 है, इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके पास कमर्शियल तो रही नहीं थी। अब इनके पास पैसे कहां से आ रहे थे? एक तो ये ब्रिटिश पोजेशन था, वहां से जो इनके पास थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स आ रहा था वहां से पैसे कर रहे थे, क्योंकि ट्रेड तो रहा नहीं था। और जो सॉल्ट टैक्स था, जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट, वहां से इनको पैसा अभी भी आ रहा था सॉल्ट टैक्स से, और ब्रिटिश पोजेशन जो इनकी टेरिटरी थी वहां से ये पैसा इनको आ रहा था 1853 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां से इनका खर्चा चल रहा था, याद रखना। समझ में आ गया? तो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तो एज सच यहां पर जरूरत नहीं थी, ये आपको पता होगा। ब्रिटिश क्राउन ने 6 मेंबर को नोट वो किया, और वहीं पर सेपरेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो आपका दोबारा बना दिया गया। यहां पर जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो आपको सेपरेट था, वो आपको पता होगा। अब क्या हुआ? अब उसके बाद स्पॉय म्यूटिनी हुई, समझने की कोशिश करना। अब इसके बाद क्या हुआ? स्पॉय म्यूटिनी हुई। स्पॉय म्यूटिनी मतलब सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह होने का कारण क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाइज ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में सिपाही विद्रोह हो गया। समझने की कोशिश करना, ऐसा क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सब कुछ पढ़ाऊंगा ना, 1858 पर अभी आने वाला हूं, यहां तक आप चीजों को याद रखना। अगर हम बात करें सिपाही विद्रोह, स्पॉय म्यूटिनी क्यों हुई, देखिए गाइस, एक तो क्रिश्चियन मिशनरी आनी स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, वो लोगों के धर्म में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर लोगों के जो कल्चर्स थे, जो सेंटिमेंट्स थे, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या होने लगा कि जो हमारे कल्चर थे उसमें विडो रीमैरिज एक्ट आ गया, मतलब जो विधवा है उनको दोबारे शादी करने के लिए एक्ट आ गया। हिंदू रिलीजन के लोग हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमारे जो लॉ, हमारा जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले सती प्रथा थी, जो औरत थी उसका हस्बैंड मर जाता था तो उसको जला दिया जाता था आग पर, उसी की चिता पर। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने कल्चर को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे थे, जो लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन था, जो हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग थे वो इस चीज के अगेंस्ट में थे। वहीं पर सबसे बुरा तो तब होना स्टार्ट हो गया जो सिपाही थे, हिंदू और मुस्लिम, जो उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क कर रहे थे, उनको जो कारतूस थे, जो वहां पर जो उनकी गन थी उसमें जो वहां पर बुलेट डलती थी, जो कारतूस थे उसके अंदर फिर एक चीज आई कि उसके अंदर चर्बी है, और वो चर्बी गाय और सुअर के उससे बनी हुई है, जिसके कारण जब उसको उस पिस्टल के अंदर, उस गन के अंदर जब उसको जो वहां पर बुलेट थी उसको डालना होता था तो उसे मुंह से ओपन करना होता था, जिसके कारण वहां पर लोगों के सेंटिमेंट्स और इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर दिए। फिर और क्या हुआ, जो भारत के सिपाही थे, इंडियन सोल्जर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्क करते थे, उनको समुद्र के थ्रू अलग अलग जगह पर उनकी टेरिटरीज में जाना, भेजना स्टार्ट कर दिया। और वहां पर उस टाइम पर यह बात थी कि अगर हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान समुद्र की यात्रा करके कहीं दूर चला जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इस तरीके की बातें थी। और ये चीजें जब होना स्टार्ट हो गई तो उसके अगेंस्ट में सिपाही विद्रोह हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब काम चलने वाला नहीं है, अब हमें क्या करना होगा, जो वहां पर बैठा हुआ क्राउन है उसको डायरेक्ट अपना कंट्रोल लेना होगा इंडिया के अंदर। इन चीजों के बारे में बात हुई, ये आपको याद रखना। कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आ गई? ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये चीज किस किस स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आई जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई कि ऐसे ऐसे है सारी चीजें, फटाफट जल्दी से बताइए, यहां तक बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फटाफट, क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है यहां पर। अब क्या करना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने यहां पर लोगों से बात की कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर खत्म हो चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल खत्म कर दीजिए यहां पर। अब क्या हुआ गाइस, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे
उसकी पोस्ट को डेजिग्नेशन करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया, गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो पहले वॉइस रॉय बने इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ये चीजें याद रखना, समझने की कोशिश करना, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और बेसिकली वो वॉइस रॉय डायरेक्ट पहले वॉइस रॉय नहीं थे, वो 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, और उन्हीं को 1858 के एक्ट में वॉइस रॉय, जब गवर्नर जनरल की पोस्ट को वॉइस रॉय बना दिया तो वो इंडिया के पहले वॉइस रॉय बन गए, कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना, जो कंपनी का रूल है उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, वहीं पर जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल की वो वॉइस रॉय बना दिया गया, और वहीं पर जो डॉल गवर्नमेंट थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको खत्म कर दिया गया। जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंट्रोल्स जो है आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, इनको खत्म कर दिया गया। अब क्या आया सर, एक न्यू ऑफिस बनाया गया और उस ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक न्यू ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये पॉलिटिकल हेड होगा इंडिया का, पॉलिटिकल हेड होगा इंडिया का। अब बोलोगे सर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां पर था, बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, ये एक तरीके का लॉर्ड स्टेनले, जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे उनका नाम था लॉर्ड स्टेनले, और ये लॉर्ड स्टेनले ब्रिटेन के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट थी वहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उन्हीं के उससे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक काउंसिल बनाई गई, और वो काउंसिल 15 मेंबर की थी, जो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पूरा वर्क, जो ब्रिटेन में बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू इंडिया के अंदर क्राउन रूल को इंप्लीमेंट किया जाने लगा, याद रखना, समझ में आ गया। ओके, तो बेसिकली जो 15 मेंबर की जो ये काउंसिल है, किसकी, सेक्रेटरी काउंसिल जो है, ये बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी थी, जो क्या कर रही थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट कर रही थी, कौन, जो कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटेन में बैठे हुए थे उनका। और अभी कंपनी रूल को खत्म करके डायरेक्ट किसका, क्राउन का रूल आ गया, जो पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे लॉर्ड स्टेनले उनका, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल थी जिसमें 15 मेंबर थे, एज एडवाइजरी थी और असिस्ट कर रही थी किसको, आपके ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसको। तो लॉर्ड कैनिंग क्या है, पहले वॉइसराय बने, और लॉर्ड स्टेनले पहले इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। अब क्या हुआ कि यहां पर जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसमें अब इंडियन कंट्रोल किसका आ गया, एंटायर इंडियन टेरिटरी का, कंपनी रूल के ऊपर से अब क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया, और इसी वजह से इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया। मतलब अब हम गुड गवर्नेंस करने आए हैं, अब हम लोगों को चेंज करने आए हैं, कुछ अच्छा करने आए हैं, इन चीजों के बारे में बात की गई, ठीक है। जो ड्यूअल गवर्नमेंट था उसको एबोलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, याद रखना, समझ में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, ये चीजें याद रखना, क्लियर है, ओके। उसी के साथ साथ क्या हो रहा था कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल को वॉइसराय बना दिया गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी बनाया गया जिनको कंप्लीट अथॉरिटी थी इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने की, और 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी, ये इस एक्ट के अंदर आया, याद रखना, 1858 के अंदर, याद रखना, समझ में आ गया, क्लियर है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी। इस एक्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज कही गई कि बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनसे सहमति ली गई, उनसे भी बात की गई, ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया, मतलब जो प्रिंसली स्टेट है ना वो एक इंडिपेंडेंट है, मतलब उनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, समझने की कोशिश करना। उनसे बोला गया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जो राजे रजवाड़े हैं, उनसे बोला गया परेशान मत होइए, आपकी जो स्पॉय म्यूटिनी हुई थी उसमें आप लोग हमारे अगेंस्ट में थे, हम जानते हैं, आपके ऊपर हम कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप प्रिंसली स्टेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बट आप हमारे सॉवरन हैं, मतलब आप हमारी सॉवरनिटी को स्वीकार कर लीजिए, मतलब जो डिफेंस मिलिट्री फॉरेन पावर्स है वो हमारे अकॉर्डिंग है चीजों को लेके, कहीं अगर हम बाहर दूसरी जगह पर बात करते हैं और इंडिया के अंदर आपके पास पूरा इंडिपेंडेंस है, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये बात कही गई। और इस चीज को डिस्कस करने के लिए क्या हुआ, अब भारत 1857 के अंदर क्या हुआ, आपका स्पॉय म्यूटिनी के बाद क्राउन रूल आ गया। अब लोगों को समझाना था कि भाई देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है,
किस तरीके से पावर को इंडिया में लेके आना चाह रही है। तो बहुत सारे इश्यूज थे, और बहुत सारे जब इश्यूज थे ना, तो उस चीज को समझाने के लिए आपका एक दरबार लगा, और उस दरबार का नाम था दिल्ली दरबार। और ये दिल्ली दरबार लगा इलाहाबाद में 1858 के अंदर। और इसके अंदर समझाया जा रहा था जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे हम ट्रांस पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरीके से हम चीजों को लेके आएंगे। समझने की कोशिश करना, ड्यूअल गवर्नमेंट को हमने खत्म कर दिया है, हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे लोगों की जॉब में, कोई भी जॉब में। उसी के साथ साथ जितने भी आर्मी, जितने भी सोल्जर हैं अब वो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट बन जाएंगे। अब वो किसका पार्ट बन जाएंगे? ब्रिटिश आर्मी का पार्ट बन जाएंगे। ये चीजें याद रखना। ये किस में बोली गई? ये 1858 का जो एक्ट है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, उसके अंदर ये चीजें डिस्कस की गई। समझ में आ गया? क्लियर है? किस किस को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और किस किस के बिल्कुल ऊपर से चली गई जो चीजें मैंने आपको बताई है। समझ में आ गया कि इन्होंने क्या बोला, कैसे हुआ? ठीक है, क्लियर है? ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, यहां पर क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, क्योंकि अगर आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सारी चीजें थी, तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको इंक्रीज करके 5 मेंबर की कर दिया गया। कितने की? 5 मेंबर की। आपको पता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले 5 मेंबर की थी ना, अभी उसी के बारे में बात करेंगे। अब क्या किया? द वॉइसरॉय नॉमिनेट सम इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब क्या किया गया? जो काउंसिल है, मतलब जो काउंसिल है उसके अंदर कैनिंग नॉमिनेट करेंगे 3 इंडियंस को, और उन्होंने नॉमिनेट किया राजा ऑफ बनारस को, महाराजा को, पटियाला को एंड सर दिनकर राव को। तो महारा जो बनारस के राजा थे, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, इनको 3 लोगों को इन्होंने क्या किया? अपने जो काउंसिल है उसमें नॉमिनेट किया। समझने की कोशिश करना, जो काउंसिल है उसमें नॉमिनेट किया। क्या हुआ? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उससे पावर किसके पास आ गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कर रहा था? चीजों के साथ चीजों को मैनेज कर रहा था, सारी चीजें। तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, एम्पावरिंग द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब क्या हुआ? जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी उनको दोबारे क्या दे दिया गया? उनकी जो पावर ले ली गई थी, याद कीजिए पीछे की तरफ हम बात करेंगे, उनसे पावर ले ली गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनके पास सारी पावर आ गई थी, लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव पावर, और उन्हीं की पावर इंप्लीमेंट होगी। बट क्या हुआ? अब टेरिटरी एक्सपेंड होने लगी, तो जो गवर्नर ऑफ मद्रास है और गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी है, अब इनको दोबारा पावर दे दी कि बोला भाई अपने एरिया के जो लॉ बनाने हैं ना, वो आप खुद बनाइए, आप खुद बनाइए। समझ में आ गया? तो अब इसके अंदर क्या हुआ? जो वॉइस रॉय है वो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है। किसको? इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है। मतलब कैसे? देखिए बेसिकली क्या है गाइस, यहां पर जो आपकी काउंसिल थी, इसमें 2 टाइप की काउंसिल थी, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो जो एग्जीक्यूटिव थी और लेजिस्लेटिव की थी, तो इसमें जो काउंसिल थी ना उसमें 2 टाइप के मेंबर थे, उसमें 2 टाइप के मेंबर थे, एक थे ऑफिशियल मेंबर और एक थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी आपके किस में आ गए थे? इस वाली काउंसिल के अंदर आ गए थे। बट अभी भी जो मेजोरिटी थी वो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इसके जो ऑफिशियल मेंबर थे उन्हीं की मेजोरिटी थी। अगर कोई भी लॉ बनेगा सारी चीजें, तो अभी भी कहीं ना कहीं मेजोरिटी किसकी थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मेजोरिटी थी। इंडिया को लेके आना स्टार्ट हो गया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी भी इंक्लूड करने से काम नहीं चल रहा था। रीजन है, काम इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि अभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अभी भी जो मेजोरिटी थी वो मेजोरिटी नहीं आई थी, क्योंकि अगर वोटिंग होगी तो पावर किसके पास होगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके पास होगी, याद रखना। उसी के साथ यहां पर जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब जो मेंबर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, आपके लॉ मिनिस्टर, तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो 1861 के एक्ट में आपका लेके आ चुके थे, याद रखना। पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, मतलब अब अलग अलग वर्क को, जैसे पहले क्या हो रहा था, लॉ मेकिंग, मिलिट्री पावर, आपका फाइनेंस, सब एक ही काम कर रहे थे, एक ही जना। तो
अब क्या कर दिया, पोर्टफोलियो लेके अब मिनिस्टर्स को अलग अलग काम दिया जाएगा, समझने की कोशिश करना, मिनिस्टर को अलग अलग काम दिया जाएगा मतलब क्या, अब बोला गया कि भैया देखो किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कैनिंग ने, समझने की कोशिश करना, लॉर्ड कैनिंग बेसिकली क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि अब भाई आपके ये मिनिस्टर हैं और उसमें 6 पोर्टफोलियो मिनिस्टर को ऐड किया गया, होम मिनिस्टर, मिलिट्री, लॉ, रिवेन्यू, फाइनेंस। और एक 1861 के बाद 1874 में एक और मिनिस्टर, पोर्टफोलियो मिनिस्टर लेके आए, पीडब्ल्यू, जो आज पीडब्ल्यू मिनिस्टर है ना, पीडब्ल्यूडी, दैट मींस जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, ये आपका 1874 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट में बाद में ऐड किया गया था जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स हैं उनको, ठीक है। उसी के साथ साथ जो वॉइस रॉय है उसको ऑर्डिनेंस की जो पावर्स थी इमरजेंसी टाइम पर, वो इसी एक्ट के अंदर आई। आपको पता है इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। अगर आप आर्टिकल 123 को पढ़ोगे तो आप देखोगे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर लॉ, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव या जो हमारी पार्लियामेंट है उसका सेशन नहीं है तो हम क्या बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास करके लॉ बना सकते हैं। वहीं पर अगर आप आर्टिकल 213 देखोगे तो गवर्नर के पास ये पावर है। तो ये जो पावर्स थी ऑर्डिनेंस मेकिंग की, वो सबसे पहले 1861 के एक्ट में आई थी। कहां पर आई थी, 1861 के एक्ट में, ऑर्डिनेंस। और बोला गया था कि भाई ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने तक वैलिड रहेगा, याद रखना। तो ऑर्डिनेंस पावर कहां पर आ गई, 1861 के एक्ट में आ गई, याद रखना। समझ में आ गया ये पॉइंट, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, क्लियर है। जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास की, वो दोबारा इनको क्या कर दी, इनको रिवाइव कर दिया गया, दोबारा रिस्टोर कर दी गई। वहीं पर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, याद रखना हमने। अब क्या हुआ, समझने की कोशिश करना, अब क्या हुआ गाइस, हमारे नए प्रिंसली स्टेट बनना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे वो बनना स्टार्ट हुए। जैसे हमारा आपका बंगाल के बाद न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस बना, उसके बाद आपका पंजाब प्रोविंस बना, तो ये नए प्रोविंस बनना स्टार्ट हुए। तो जब ये प्रोविंसेस बनना स्टार्ट हुए तो इनके लिए अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई। तो याद रखना, स्टैब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल एंड WPF, दैट मींस नॉर्थ वेस्ट FP, आपका फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब के लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। और वहीं पर पोर्टफोलियो सिस्टम को लेके आए गए, और जो वॉइस रॉय है उसको बोला गया कि वो काउंसिल के बेटर फंक्शन के लिए, चार्ज करने के लिए, ऑर्डर्स के लिए आपका एलोकेट कर सकता है। याद रखना, इट एम्पावर द वॉइस रॉय टू मेक द रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द काउंसिल फॉर द बेटर फंक्शनिंग एंड मेड मेंबर्स काउंसिल इन चार्ज and authorized to issue order regarding one or more government department allocated to it। तो वहां पर portfolio system के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। उसी के साथ साथ याद रखना, जो additional members थे वो पहले 6 थे, अब वो additional member increase कर दिए गए। मैंने आपको बताया था जो इनके अंदर जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये सारी चीजें हैं, उसमें क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 6 मेंबर थे, 6 मेंबर के बाद वो एडिशनल मेंबर्स थे, एडिशनल मेंबर्स को बढ़ा के 16 तक कर दिया गया, किसके अंदर, 1861 का जो एक्ट है उसके अंदर। समझ में आ गया, ये बात हुई इसके अंदर। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं, आपका 1892 का जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये चीज याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट याद रखना, समझ में आ गया। इस इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर क्या हुआ, जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कहां पर, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखिए हमने क्या किया, हमने प्रोविंशियल की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी तो बनाई ना, बंगाल में बना दी हमने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बना दी हमने, पंजाब की बना दी। तो यहां पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उनकी जो हमने संख्या थी, जो उनके नंबर्स थे, उनको इंक्रीज कर दिया। उसी के साथ साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर भी उनके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, याद रखना। अब क्वेश्चन बनता है कि यहां पर ऐसी सारी चीजें क्यों हुई, हम इनके नंबर्स को क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। 1892 का जो एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, उससे पहले 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, याद रखना किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब भाई लाइक माइंडेड पीपल इंडियन नेशनल कांग्रेस में बैठे, तो वो चाहते थे कि हमारी डिमांड्स और ब्रिटिशर्स सुने। उस टाइम पर वहां पर लैंसडाउन थे, उस टाइम पर वहां पर जो थे वॉइसराय वो लैंसडाउन थे,
और लैंसडाउन ने इनकी सुनी और बोला ठीक है, हमारे जो नंबर्स है ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के, हम उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी। उन्होंने बोला कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनकी जनसंख्या बढ़ा दीजिए, इनके नंबर्स बढ़ा दीजिए। दूसरा क्या है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं अब वो इलेक्ट होके आना स्टार्ट हो जाए, मतलब अब उनका इलेक्शन होके वो आए, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ जाए, समझने की कोशिश करना, क्या होना स्टार्ट हो जाए, इलेक्शन होके होना आ जाए। अब क्या हो गया, अभी भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो आ रहे थे, एड ऑन किए गए थे, बट अभी भी मेजोरिटी किसकी थी, मेजोरिटी अभी भी एग्जीक्यूटिव, उन्हीं की तो मेजोरिटी थी, वॉइस रॉय की तो ही मेजोरिटी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो 16 मेंबर्स थे, इन 16 मेंबर्स में कौन था, 16 मेंबर्स में इंक्रीज करके 10 तो नॉन ऑफिशियल कर दिए थे और 6 ऑफिशियल्स थे, और ये 6 ऑफिशियल्स मेंबर कौन थे, ये 6 ऑफिशियल मेंबर थे जो आपका, जो ये आपकी ये वाली जो मेंबर्स हैं, एडिशनल मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग, जो 6 मेंबर्स थे और यहां पर ये 16 कर दिए गए एडिशनल, इसमें 10 तो नॉन ऑफिशियल थे और 6 ऑफिशियल थे, और ये ऑफिशियल्स वो थे जो मिलिट्री पोस्ट पर थे, अच्छी पोस्ट पर थे आपकी ब्रिटिश के अंदर। तो और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर प्लस 6 मेंबर ये, तो ये तो अभी भी 12 है और ये 10 है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के कंपेयर में अभी भी ये मेजोरिटी में थे। अभी भी अगर कोई डिसीजन लेंगे तो ऑफिशियल मेजोरिटी किसकी होगी, इन्हीं की होगी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बॉडी है। इसको समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या हुआ कि यहां पर जो लेजिस्लेचर है, काउंसिल है, उसको बजट पर डिस्कस करने के बारे में परमिशन होगी। अभी तक क्या था, इन्होंने बोला है देखो भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आप जो भी बजट बना रहे हो, आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी, आप ब्रिटिश जो क्राउन यहां पर रूल कर रहा है, आप यहां पर बजट कहां पर हो, हमारे लोगों के लिए बना रहे हो, हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, तो आप हमें ही बजट पर डिस्कशन करने की पावर नहीं देते। तो 1892 का जो एक्ट था इसके अंदर बजट पर डिस्कस करने की पावर मिल गई, ठीक है, बजट पर डिस्कस करने की, बट याद रखना वोटिंग पावर नहीं मिली है अभी, और यहां पर ना वोटिंग पावर मिली है ना दोबारे क्वेश्चन पूछने की पावर मिली है। याद रखना यहां पर ना वोटिंग पावर है, सिर्फ बजट पर डिस्कस करने की पावर मिली है, समझने की कोशिश करना, बजट पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, याद रखना ये चीजें कहां पर है, इस जगह पर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसी के साथ साथ प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वॉइसरॉय की, ऑन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें रिकमेंडेशन, एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड दैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्युनिसिपैलिटीज यूनिवर्सिटी ट्रेड यूनियंस एंड जमींदार। बेसिकली जो यहां पर मेंबर्स को ऐड किया जा रहा था, मेंबर्स को ऐड किया जा रहा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो नॉमिनेशन के बेसिस पर, और नॉमिनेशन किसके, जमींदार, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, इनके बेसिस पर, ठीक है, उनको लेके आया गया था चैंबर ऑफ कॉमर्स से, किसको, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी और एडिशनल मेंबर्स थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, काउंसिल के अंदर, उनको कहां से लेके आया जा रहा था, इन वाली बॉडी से लेके आ रहा था, ठीक है। उसी के साथ साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने बोला कि भैया आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको रिड्यूस कीजिए, समझने की कोशिश करना, उसको रिड्यूस कीजिए क्योंकि आप हमारे ही फंड से कर रहे हैं, ओके। उसके साथ साथ इन्होंने एक डिमांड और रखी कि जो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उस एग्जाम को आप इंडिया में कंडक्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा ओपन कॉम्पिटिशन की बात की गई थी कि अब इंडियंस भी एग्जाम दे सकते हैं, बट वो एग्जाम कहां पर हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, अब उसकी बात की गई कि भाई उसका एग्जाम इंडिया में कंडक्ट करवाइए, ये डिमांड रखी गई इसके अंदर। समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके से, यहां तक क्या चीजें हुई कैसे हुई सब चीजें आपको क्लियर हो गई, ओके, तो यहां तक बात हो गई। अब उसके बाद आता है 1909 का एक और इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कौन सा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ, पहली बार अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन नहीं आया था, अब पहली बार फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर ऐड किया गया पहली बार, और जो पहले पर्सन थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा, और सत्येंद्र सिन्हा को एज अ लॉ मेंबर ऐड किया गया, एज अ लॉ मेंबर पहली बार ऐड किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, दैट इज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया, पहली बार ऐसा हुआ,
समझ में आया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ओके, तो बेसिकली द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। पहले क्या था, मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें जो मैं 16 मेंबर बता रहा था, 16 में से 6 ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट हो रहे थे और यहां पर 16 के वो 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे और 6 थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अभी भी मेजोरिटी इसकी थी। तो अब इनके नंबर्स को बढ़ा के 6 से 16 कर दिया गया था, 16 से अब 60 कर दिया गया है, किसके अंदर, 1901 के। एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज आल्सो इंक्रीज बट नॉट यूनिफॉर्मली, इनको भी इंक्रीज कर दिया गया, याद रखना। समझ में आ रहा है चीजों को? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फटाफट, समझ में आ गया, क्लियर है? सो एम्पावर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट। मतलब जो हमारा इससे पहले 1892 का जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसमें सिर्फ हमें डिस्कस करने की पावर थी, हम क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अब की बार जो 1909 का एक्ट आया, इसके अंदर हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर हमारा बजट है तो उससे रिगार्डिंग हम रेजोल्यूशन को भी पास करने की पावर्स कहां दे दी गई, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके अंदर। समझ में आ गया? उसी के साथ साथ यहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई कि जो इंडिया को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर तो हमने ऐड कर लिया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, पहले इंडिया थे जो वॉइसराय काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर एंड किए, बट कॉमनल रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया। व्हाट इज कॉमनल रिप्रेजेंटेशन? कॉमनल रिप्रेजेंटेशन मतलब यहां पर अब मुस्लिम कम्युनिटी को कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, कॉमनल इलेक्टोरेट की बात की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। मतलब क्या? मतलब ये कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कैंडिडेट है, अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, कुछ सीट ऐसी होंगी जिसपे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है और उसको वोट डालने की पावर भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को है। ऐसा नहीं है अगर मुस्लिम कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको हिंदू मुस्लिम कोई भी वोट डाल सकता है, नहीं, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल लेगा। तो दैट मीन्स ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो ब्रिटिशर्स इस एक्ट के थ्रू लेके आए, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो ब्रिटिश इस एक्ट के बाद लेके आए। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर, 1909 के एक्ट के अंदर। समझ में आ गया क्यों ऐसा हो रहा था, सारी चीजें क्यों हो रही थी, कि ऐसे चेंजेस क्यों करने पड़े? 1906 की बात है, ब्रिटेन के अंदर लिबरल पार्टी आती है, सरकार चेंज होती है और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का गठन होता है तो मुस्लिम लीग की अपनी खुद की अलग डिमांड्स थी और वो डिमांड में अपनी अलग कुछ चीजें बनवाना चाहती थी, जिसके कारण वो सक्सेसफुल हो गई 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म के अंदर, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जो कभी भी चाहते नहीं थे। कौन कौन नहीं चाहते थे? कभी भी नहीं चाहते थे हमारे देश में जो हमारे ऑल लीडर्स थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। वहीं पर जो हमारी बॉडी थी वो इंक्रीज होके कितनी हो गई, वो अब हमारी 60 हो गई। कितनी हो गई? 60 हो गई, जिसमें से 60 में से 32 नॉन ऑफिशियल और 28 आपके ऑफिशियल हो गए। समझने की कोशिश करना, नॉमिनेट जो नॉमिनेट होंगे 28 और ये 32 जो नॉन ऑफिशियल है, इसमें भी कुछ इलेक्टेड होंगे, कुछ लैंडलॉर्ड्स होंगे, जमींदार होंगे, प्रोविंसेस से होंगे, प्रिंसली स्टेट से होंगे। इस तरीके से इन मेंबर्स को रखा गया जो इनकी नंबर्स बढ़ा दिए गए, याद रखना। तो यहां पर बजट पे डिस्कस करने की पावर मिल गई थी पहले ही, अब उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का अब रेजोल्यूशन को भी पास कर सकते हैं, किसके अंदर, आपके 1909 के अंदर जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म है उसके अंदर ये चीजें आ गई। कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आई, कितने स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आई, मुझे फटाफट बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के ऊपर, क्योंकि अब हमारे दो एक्ट बचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो बचता है 1909 का और एक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आइए जल्दी से बात करते हैं। अब आया 1999 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या आप बोल सकते हो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपका बाइकैमरलिज्म आया, मतलब डाईआरकी आई, डाईआरकी आई इसके अंदर, डाईआरकी मतलब बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब है क्या हुआ, यहां पर लेजिस्लेचर आया और काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आया आपका, किसके अंदर, इसके अंदर।
लेजिस्लेटिव बॉडी और काउंसिल दो बॉडी बना दी गई, किसके अंदर, इसके अंदर। तो सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट लेके आए, और इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। समझ में आ गया। इसमें डाइआरकी आई, डाइआरकी के अंदर जो मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव असेंबली थी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी बना दी गई थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 145 कर दिए गए मेंबर, कितने, 145, और वहीं पर 60 मेंबर्स कर दिए गए किसके अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर। इन्होंने डिमांड की थी कि भाई इनकी जो एज है, जो टाइम पीरियड है, उसको बढ़ा दी जाए। तो काउंसिल ऑफ स्टेट की जो टाइम पीरियड था वो 5 साल के लिए था, और वहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का अभी भी टाइम पीरियड 3 साल तक रखा गया जो इसके मेंबर्स थे। तो डाइआरकी आ गई, तो दैट मींस क्या हो गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ 1909 में, चीजें क्यों हुई, क्यों चीजें सुनी जाने लगी? क्योंकि होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडियंस ने भर के सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। अब क्या हुआ 1916, क्या हुआ 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, दोनों हिंदू और मुस्लिम साथ आ गए। तो अब क्या हुआ, अब यहां पर उन्होंने अपनी डिमांड रखी, और डिमांड रखी तो क्या हुआ, इन्होंने बोला गया कि भैया देखो, एक तो सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट आए, मतलब अब जो सब्जेक्ट थे ना वो डिवाइड हो गए सेंट्रल और उसमें, किसमें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। मतलब यहाँ पर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंसेस है, उन पे लॉ मेकिंग प्रोविंशियल है, और सेंटर का अलग है सब्जेक्ट के ऊपर। जिसमें से रिजर्व सब्जेक्ट है, ट्रांसफर सब्जेक्ट है। जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसके पास, जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि वो एड ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ और लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होगी। ट्रांसफर में जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बाय गवर्नर होगा, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3 इंडियंस आ गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी अब 3 इंडियंस आ गए, और बोला गया कि जो एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए हैं, समझने की कोशिश करना, एडिशनल मेंबर्स जो ऐड किए गए हैं उसमें 1/3 जो पॉपुलेशन होगी वो मुस्लिम कम्युनिटी की होगी। किसकी होगी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे 1/3। किसमें बात की गई, इसके अंदर बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर। समझ में आ गया। यहां पर इसके अंदर ये पहला एक्ट था जिसके अंदर प्रेम्बल लेके आया गया। प्रेम्बल मतलब कि हमारी जो सरकार होगी वो किस टाइप की आएगी, लॉ मेकिंग कैसी होगी, वो चीजें आई। और इन्होंने बोला कि इसके अंदर उनका साफ था कि हम चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब हम चाहते हैं कि यहां पर जो भारत के लोग हैं उनको धीरे धीरे करके हम पावर को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दें, यहां पर हम भारत के लोगों को ट्रांसफर दे दें। बट जो हम ट्रांसफर देंगे, बट अभी भी वो किसकी टेरिटरी रहेगी, वो ब्रिटिश पजेशन की टेरिटरी रहेगी, ब्रिटिश उसको कंट्रोल कर रहेंगे, बट पावर आपके हैंड में इस 1909 के 1919 का जो एक्ट है इसके थ्रू देने की बात की गई। समझ में आ गया, इसके थ्रू देने की बात की, समझ में आ गया। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, क्लियर है। तो यहां पर एक चीज और बोली गई कि भैया देखो, जो हमारी ये बॉडी थी कि आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी जो पावर है ना, इसकी जो पैसे वैसे हैं, सब सैलरी वैलरी है, आप इंडिया का जो फंड है यहां पर उसी से देते हो। उन्होंने बोला देखो भैया, दो चीज सुनो, हमारी जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो दो टाइप के वर्क करता है, एक तो पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, और उसी के साथ साथ एक उसका एजेंसी का वर्क है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एजेंसी में आ गई, मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, सबको अच्छे से क्लियर हो गई, ओके, ठीक है। तो यहां पर मुस्लिम आ गए, बट वोटिंग की पावर अभी भी नहीं थी, याद रखना, वोटिंग की पावर 1909 के अंदर भी नहीं आई। अब क्या होता है, उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे वो डिवाइडेड हुए ट्रांसफर सब्जेक्ट में एंड रिजर्व सब्जेक्ट में। ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसको गवर्न्ड बाय द गवर्नर और मिनिस्टर्स के साथ विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड गवर्नर रिजर्व सब्जेक्ट विद इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वहीं पर बाइकैमरलिज्म आया, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, किसके अंदर, आपका 1909 के 19 के उसमें। और जो प्रोविंशियल्स थे उसमें 3-6 में से जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस होंगे, और वो सेपरेट इलेक्ट्रोड किसके बारे में कहा गया कि सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रोड और ज्यादा दे दिया गया,
किसके लिए? सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए। तो ज्यादा सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में बात की गई, ये चीजें याद रखना। किसके अंदर की गई? आपका, यहां पर मैंने आपको चीजें बता दी किस किस एक्ट के अंदर बात की गई। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। बेसिकली जो वोट की पावर पावर थी वो कुछ लोगों को दी गई। किस बेसिस पर दी गई? उनकी प्रॉपर्टी, उनको टैक्स देने और एजुकेशन के बेसिस पर। एक हाई कमीशन बनाया गया लंदन में, और वो हाई कमीशन की सैलरी जाएगी, जो हमने बात की थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी के ऊपर जो इशू था, तो उसका एक एजेंसी वर्क था, एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था। तो जो एजेंसी वर्क था उसके लिए एक हाई कमीशन बनाई गई लंदन में, उसकी सैलरी मिलेगी इंडियन फंड से। ठीक है, प्रोवाइड सिटिंग ऑफ सेंट्रल कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। एक सिटिंग बनाई गई सेंट्रल सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सेपरेट प्रोविंशियल बजट बनाया गया सेंट्रल बजट से, ठीक है, अलग, और ऑथराइज किया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कि वो अपने बजट को इनेक्ट करे। ये बात की गई, यहां पर याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर ये चीजें हो गई। अब 1935 का एक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या चीजें लेके आए और क्यों क्यों लेके आए। अच्छे से समझ में आया? पीपल को वोट करने का अधिकार। अब आगे जाओगे ना, आप आगे जाके जो वोट करने का अधिकार है ना, 1935 में यहाँ को 3 करोड़ लोगों को वोट करने का अधिकार मिल गया था। तो जो पावर्स थी वोटिंग की वो इंक्रीज हो गई थी, वहां पर पहले कम थी। टैक्स, कितना पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं, उस बेसिस पर उनको वोटिंग की पावर थी, याद रखना। उसके बाद क्या हुआ गाइस, 1919 एक्ट के बाद क्या हुआ? अब बोला गया कि देखो भैया सुनो, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर करनी है, और वो पावर कैसे ट्रांसफर की जाएगी, उसके लिए कमीशन बनाई गई 1927 में, जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। उसके अगेंस्ट में भारत के लोगों ने विद्रोह किया, और वो साइमन कमीशन ने रिव्यू किया किसको, 1919 के एक्ट को, और रिव्यू करके बोला गया कि क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट क्या हुआ कि इसके अंदर जो साइमन कमीशन आई उसके अंदर एक भी कोई भी इंडियन नहीं था। अब इंडियन नहीं था तो उसका प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, हम आपकी चीजों को कंसिडर कर लेते हैं, तो आप अपने आप कोई कमेटी बनाइए और चीजों को डिस्कस कीजिए। तो फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू मिलके डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए, और उसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट आई तो नेहरू रिपोर्ट में लगा कि नेहरू जी ने तो अपने हिंदू कम्युनिटी के लिए, हिंदू रिलीजन के लोगों के लिए, अपने जो उनके फायदे के लॉ हैं, उनके फायदे की जो चीजें हैं वो लेके आ गए होंगे। फिर उसके बाद जिन्ना जिन्ना जी आते हैं, जिन्ना जी बोलते हैं जो रिफॉर्म होगा उसमें ये 14 पॉइंट भी होने चाहिए, तो जिन्ना जी अपने 14 पॉइंट भी लेके आ जाते हैं। उनके बाद जब ये सारी चीजें होती हैं तो ब्रिटेन बोलते हैं चलो भाई आइए मिलके डिस्कस कर लेते हैं, और सब आपस में जो जो चीजें अच्छी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गांधी जी उसमें बेसिकली एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। तो 1930 से लेके 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किया गया, बट इंडिया के बहुत सारे लीडर्स थे वो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिस्टिंक्ट व्यूज थे। फिर उसके बाद आता है 1935 का एक्ट, ये चीज याद रखना। तो 1935 का जो एक्ट आता है, आपको पता है पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, बेसिकली भूख हड़ताल पर बैठ गए थे वो, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और उसके बाद आया 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं बहुत अच्छे से। समझ में आ गया? क्लियर है? आइए बात करते हैं। यहां पर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट में, कहां पर? 1935 के एक्ट में। और जो पावर्स थी उसको डिवाइड की गई 3 लिस्ट में, और बोला गया 3 लिस्ट बनेंगी, एक फेडरल लिस्ट बनेगी, एक प्रोविंशियल लिस्ट बनेगी, और एक बनेगी कॉन्करेंट लिस्ट। और उसी के साथ साथ बोला गया कि ऐसे मैटर जो कहीं पर भी मेंशन नहीं है उसको रेजिडरी लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, और उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर जो है वो वॉइसराय के पास रहेगी। लॉ बनाने की जो पावर है वो वॉइसराय के पास रहेगी, ये इस फीचर्स के अंदर बात की गई। वहीं पर जो डायार्की आई थी, जो डायार्की आई थी, बाइकैमरलिज्म आया था, उसको एबुलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। मतलब जो बाइकैमरलिज्म आया गया था किस में? स्टेट में, लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस में, वहां पर अब खत्म करके अब सेंट्रल पर डायार्की लेके आ गए। कहां पर? सेंटर में। तो जो डायार्की थी, मतलब बाइकैमरलिज्म था, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव, वो अब प्रोविंसेस में खत्म कर दी। जो 1909 में लेके आए थे वहां पर वो खत्म कर दी डायार्की, 19
1919 में जो डाइआरकी लेके आए थे मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, वो अब यहां पर खत्म कर दी। अब वो कहां पर लेके आ गए, वो उसको लेके आ गए सेंटर में। अब सेंटर में डाइआरकी आ गई, तो एडॉप्शन ऑफ डाइआरकी एट द सेंटर, और जो फेडरल सब्जेक्ट है वो डिवाइड कर दिए गए इनटू ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, इन दोनों में डिवाइड कर दिए गए। और वहीं पर इंट्रोड्यूस की गई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, जहां पर गवर्नर नीड टू वर्क ऑन द मिनिस्टर एडवाइस एंड रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। जो गवर्नर वर्क करेगा ना, वो ऑन द एडवाइस किस पे करेगा, मिनिस्टर्स की पे करेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर वर्क किया जाता है। इसी तरीके से गवर्नर भी वर्क करेगा ऑन मिनिस्टर एडवाइस फॉर द रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसके बारे में बात की गई। बाइकैमरलिज्म जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 6 out of 11 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये चीज याद रखना। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो बेसिकली जो प्रोविंसेस बनी, अब क्या हुआ, जो प्रिंसली प्रिंसली वाला जो पॉइंट था, वहां पर जो प्रोविंसेस थे वहां से हटा के अब इंट्रोड्यूस कर दी बाइकैमरलिज्म 6 out of 11 प्रोविंसेस। और वहीं पर फेडरल बजट को डिवाइड कर दिया, 80% नॉन वोटेबल पार्ट है एंड कुड नॉट बी डिस्कस्ड और अमेंडेड इन द लेजिस्लेचर, और रिमेनिंग 20 पार्ट है वो डिस्कस किया जा सकता है और उसको अमेंड किया जा सकता है। ये 1935 का जो एक्ट है उसके अंदर चीजें लेके आए। समझ में आ गया? उसके बाद आपका क्या किया गया, यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। समझने की कोशिश करना, प्रोविजन था किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, क्योंकि 1932 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वुमेन और लेबर क्लास को, एंड इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी एंड अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट। 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गए और 3 करोड़ पॉपुलेशन को अप्रोक्स वोटिंग राइट मिल चुके थे इस एक्ट के अंदर। समझ में आ गए? उसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया गया और रिजर्व बैंक बनाया गया। याद रखना, करेंसी के लिए आरबीआई को बनाया गया, याद रखना। और उसी के साथ साथ 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। फेडरल कोर्ट मतलब जो अलग अलग है उनमें एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, और वो फेडरल कोर्ट को बाद में 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। रिजर्व बैंक बनाया गया 1937 में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, जो कि आज हम अपने 1935 के एक्ट से ही लेते हैं। वहीं पर आपकी फेडरल कोर्ट बनाई गई जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट का दर्जा हमने दे दिया। ये किसके अंदर है? ये 1935 के एक्ट के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम बात करें इस एक्ट के बारे में, इसने सिटीजन के राइट्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, इसने बात की कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डोमिनेंट स्टेटस देना चाहते हैं इंडिया को, बट यहां पर जो गवर्नर जनरल्स की पावर थी उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, और उसी के साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन सो क्रिएटेड वॉज रिजिड एंड द पावर टू अमेंड वॉज रिजर्व विद इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिजिड होगा, पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होगी। और जो कॉमनल इलेक्टोरेट था वो इंडियन सोसाइटी को और डिवाइड करने की बात कर रहा था, क्योंकि जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, उसमें क्या कर रहे थे, उसको अलग से इलेक्टोरेट देने की बात कर रहे थे इसके अंदर। समझ में आ गया? 1935। उसके बाद आता है 1947 का आपका माउंट बैटन प्लान और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या हुआ, मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भाई हमें सेपरेट नेशन बनाना है, तो बेसिकली जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो अपना प्लान लेके आते हैं सेपरेट नेशन का, टू नेशन थ्योरी का, और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बुलाया और दोनों ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया और 1947 को दो कंट्री बने, पाकिस्तान और इंडिया। तो क्या हुआ, बेसिकली इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया गया और इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट था 15 अगस्त से। उसी के साथ साथ दो कंट्री बनी इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, जो इंडिपेंडेंट थी और जो बेसिकली जिन्होंने क्या किया, राइट टू सीड विद, जो आज हम बोलते हैं ना कि हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है, हमारे खुद के राइट्स हैं, हम अपने डिसीजन ले सकते हैं, बट फिर भी हम एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट को एक्सेप्ट करते हैं जैसे ऑल कंट्रीज। ठीक है, इट पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई, टू नेशन थ्योरी की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए बनाई गई कि अपना लॉ खुद से बना सके, अपने इंडिपेंडेंस एक्ट और अपनी सारी चीजें जितनी भी है वो खुद से बना सके। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबलिश कर दिया गया और जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को, वहीं पर जो ब्रिटिश मोनार्क था
अब उसको जो पावर्स थी वीटो बिल्स की, रिजर्वेशन की, वो डिप्राइव्ड कर दी गई। वहीं पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स, वो बेसिकली डेजिग्नेटेड द हेड, नॉमिनल हेड थे, रियल हेड नहीं थे, वो 1947 के अंदर रखा गया। इट ड्रॉप द एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड रॉयल टाइटल्स। ये बेसिकली जो एम्परर ऑफ इंडियन टाइटल था उसको ड्रॉप करके किंग ऑफ इंग्लैंड रॉयल टाइटल से ड्रॉप कर दिया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफ इंडिया पोस्ट एंड रिजर्वेशंस ऑफ पोस्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और जो क्राउन थे उससे आपकी जो पावर्स है वो अथॉरिटी को दे दी गई, याद रखना। और उसके बाद ये माउंटबेटन सारी चीजें आई और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस तरीके से सारी चीजें बनती गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में स्टैब्लिश की गई, जो कि हमारा लॉ बनाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उसको अप्रोक्स 2 साल 11 महीने से ज्यादा लग गए लॉ बनाने में और पूरे सिस्टम को क्रिएट करने में, ठीक है, ओके। और इसी वजह से आज के टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब गाइज, ये हमारा कैसे कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, मैंने बहुत डिटेल में पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हो सकता है वो मैंने बता दिया। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसे बना, उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में बात करेंगे। यहां तक बताइए कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आ गई हैं बहुत अच्छे से, कितने स्टूडेंट को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं मुझे ये बता दीजिए। यहां तक कितने स्टूडेंट को चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं जो मैंने अभी तक चीजें आपको बताई, सबको क्लियर हो गया? और अच्छे से अगर आपको चीजें हैं तो मैं और बेटर तरीके से आपकी नेक्स्ट सेशन पे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब पॉलिटी चलेगी ना कोर में, तो आपको और ज्यादा मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। कोर पॉलिटी को जब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, तो उसमें परेशान मत होना, क्लियर है? तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और उसके बाद हम आगे जो पॉलिटी के पॉइंट को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, सारी चीजें, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद साथ सारी चीजें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक एक करके लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे, ओके गाइज। तो गाइज आज हमारी 1 PM की क्लास थी, ऑलरेडी डिले हो चुकी है, तो वो कल होगी, और आज हम रात को मिलेंगे 9 बजे, जहां पर बहुत डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की सीरीज के अंदर। तो अभी का सेशन में यही खत्म करता हूँ, बाय, टेक केयर गाइज, सी यू, मिलते हैं, टाटा। और गाइज एक पॉइंट और याद रखिएगा, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर ऑफर चल रहा है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर ऑफर चल रहा है, बहुत ही अच्छा ऑफर है, तो आप यहां पर उस ऑफर को ज्वाइन कर सकते हो, और आप उसको सिर्फ AM10 कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% तक का, और मेरी मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, प्लस कंप्लीट कवरेज मिलेगी। और कोड यूज करने से पहले देख लीजिए कि कहाँ से आपको हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजें आपको एक ही जगह कवर होती हुई मिल जाएंगी, ओके गाइस। और कोई भी डाउट है अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो unacademy_anirudhmalik, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएंगे सारी चीजों के, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ओके। सो बाय, टेक केयर गाइस, सी यू, लाइक शेयर करते रहिए, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के साथ, और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और सारी चीजों के साथ, बाय, टेक।